राज्यसभा सीट के लिए मंगलवार सुबह 9 बजे से मतदान प्रक्रिया शुरू हो गई है। मतदान करने के लिए सुबह ही विधायक विधानसभा पहुंच गए। सुधीर शर्मा, राजेंद्र राणा सहित कांग्रेस के विधायक मतदान के लिए पहुंचे हैं। साथ ही नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर भी अपना मतदान कर चुके हैं। इसके अलावा भाजपा के अन्य विधायक भी मतदान करने के लिए पहुंचे हैं। हालांकि मतदान 3 बजे तक होगा, लेकिन विधायक सुबह ही मतदान करने पहुंच गए। साथ ही दोनों दलों के उम्मीदवार भी विधानसभा पहुंचे हैं। इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत उन्होंने राज्यसभा के लिए अपना उम्मीदवार उतारा है। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि सर्वसम्मति से ही हर बार चुनाव हो, पहले भी कई बार चुनाव हो चुके हैं। हालांकि कांग्रेस के पास बहुमत है, लेकिन विधायक अपनी अंतरात्मा की आवाज़ से अपना वोट देंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास बेशक बहुमत हो, लेकिन गणित बिगड़ते हुए समय नहीं लगता, क्योंकि सरकार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। होती है उसको तो बताने की जरूरत नहीं। एक मैं जरूर कहना चाहता हूं कि हम लोकतांत्रिक अधिकार का पालन कर रहे हैं। वो हमको अधिकार, उस अधिकार के तहत भारतीय जनता पार्टी ने अपना कैंडिडेट फाइल किया है, और राज्यसभा में ऐसा नहीं है कि हमेशा ही सर्वसम्मति से ही होता है। पहले भी कैंडिडेट आमने सामने होते रहे हैं दोनों पार्टियों के हिमाचल प्रदेश में, और अब की बार जहां ये कैंडिडेट हमने दिए हैं तो वो हालात और परिस्थितियों को देख करके दिए हैं। और मैं ऐसा उम्मीद करता हूं कि देखिए, हम उम्मीद के साथ और ये कह सकते हैं कि जो हमारे विधायक हैं वो अंतरात्मा की आवाज़ से वोट दें। स्वाभाविक रूप से उनका आश्वस्त होना इस बात को लेकर के मुझे भी कोई इस तरह की कोई बात नहीं कहनी है, क्योंकि अगर गणित के हिसाब से देखें तो उनके पास नंबर ज़्यादा है, हमारे पास थोड़ा कम है, लेकिन गणित बिगड़ते हुए वक्त नहीं लगता ज़्यादा। देखिए, मैं उसमें ज़्यादा नहीं कुछ कहूँगा। अभी तो ये है कि अभी मतदान हो रहा है, और मतदान होने के बाद 5 बजे जब परिणाम निकलेगा उसके बाद तो कुछ देखिए, मैं उस बारे में कुछ नहीं कहता। हमने एक ही बात कही, अंतरात्मा की आवाज़ से मतदान करें, क्योंकि एक चीज़ को हम देख रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में सरकार में सब ठीक नहीं है। कांग्रेस के कुछ विधायकों ने आपको उनकी अंतरात्मा नहीं, देखो इस बारे में अभी तक कुछ नहीं कहेंगे, हम शाम को 5 बजे। बता दें कि राज्यसभा के लिए हिमाचल की एक सीट हाल ही में खाली हुई थी, इसे लेकर मतदान हो रहा है। कांग्रेस के पास 40 विधायक है, जबकि भाजपा के पास 2503 निर्दलीय विधायक है। इसके बावजूद भी भाजपा ने अपना उम्मीदवार चुनाव में उतारा है। वहीं अब शाम 5 बजे परिणाम घोषित होगा। पंजाब की सीटीवी के लिए शिमला से अली की रिपोर्ट।